हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। जैसे कि बहुत दिनों बाद हमारा वीडियो ये आ रहा है और हमारा जो वीडियो का टॉपिक होगा एग्रीकल्चर टीचर क्लासेस, जो अभी छत्तीसगढ़ में टीचर का माहौल चल रहा है पढ़ाई का, उसको लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। और जीआरएफ का एग्ज़ाम जैसे कि अभी एनटीए ने ले चुका है, तो जीआरएफ का सिलेबस हम बाद में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल एग्रीकल्चर टीचर के क्लासेस में आते हैं और जो हमारा फर्स्ट वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन टॉपिक पर होगा। एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन से जाएंगे हम धीरे धीरे और आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सिंपल इंट्रोडक्शन पर है, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ इंट्रोडक्शन टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, तो यही डिस्कस करेंगे अपन। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो जैसे कि अपन जानते हैं, एक सिंपल भाषा में अगर एग्रीकल्चर को बोला जाए तो बोलते हैं कि किसी भी फसल को ग्रो करना है ना, किसी भी अपन ऐसे ही नॉर्मली ऐसा जानते हैं कि किसी फसल को बीज को बुआई कर दिया और उसको अपन लास्ट में हार्वेस्ट कर दिए, ये अपन एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये भी डेफिनेशन अपन एक नॉर्मल डेफिनेशन के लिए लेते हैं, लेकिन अपन जब साइंटिफिकली देखा जाए तो एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर जो होता है वो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है जिसमें वो प्रोडक्शन करता है फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर और फूड ग्रेन का। ये 5F जो अपन ने लिखे हैं यहाँ पर, 5F का प्रोडक्शन जो करता है वो उसको अपन एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और भी कई डेफिनेशन आपको एग्रीकल्चर के मिलेंगे, लेकिन अपन डेफिनेशन को ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। एग्रीकल्चर के डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से दिया है। आज हम बात करेंगे कि जो मेन डेफिनेशन किस पर बेस्ड है। तो अपन देखते हैं, एग्रीकल्चर इज द एक्टिविटी ऑफ मैन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर एंड फॉडर। ठीक है, फूड फूड ग्रेन भोजन और फाइबर रेशा, फ्यूल ईंधन का उत्पादन और फर्नीचर है ना लकड़ियों का उत्पादन और फॉडर, फॉडर मतलब पशुओं के लिए चारे का उत्पादन, ये होता है मेन। इसी के अंतर्गत कई सारे डेफिनेशन आते हैं। अगर एग्रीकल्चर इज़ द साइंस है ना, एग्रीकल्चर इज़ द साइंस तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टू ग्रो है ना, ऐसे कुछ कुछ डेफिनेशन रहते हैं, लेकिन बेस्ड यही रहता है कि फूड फाइबर फ्यूल और फॉडर को प्रोडक्शन कर रहा है ह्यूमन है ना, वो कहलाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड है। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कौन सा वर्ड है, तो एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड है। दूसरी बात, एगर, एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये दो शब्द से मिलता है, मिलकर बना हुआ है एग्रीकल्चर जो है। क्या है, एगर मीन सॉइल्स और कल्चर मीन कल्टीवेशन। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब हम बात करें कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में एक और बात कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इज द आर्ट साइंस एंड बिजनेस। ठीक है, तो कैसे वो आर्ट साइंस और बिजनेस है, इस बात को अपन समझते हैं। सबसे पहले आर्ट्स, ओके, आर्ट्स क्यों है, आर्ट्स हम जानते हैं। आर्ट्स जो होता है ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटी होती है जो उसको फिजिकली और मेंटली जो रहता है वो प्रिपेयर रहता है। ठीक है, जैसे अगर फिजिकल स्किल की बात की जाए एक फार्मर की है ना, फार्मर की फिजिकल स्किल की बात की जाए, तो फार्मर की फिजिकल स्किल क्या होती है, जब वो क्रॉप को ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो क्रॉप को ग्रो कर रहा है तो वो पहले से अपने पूर्वज से सीखा हुआ है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटालिटी बन जाती है कि मुझे ये करना है, ऐसे ही करते हैं, मेरे पुराने पूर्वज ऐसे करते थे, वो फिजिकल स्किल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, फिर मेंटल स्किल, तो मेंटल स्किल जो होता है, जैसे पुराने जो साइंटिस्ट पुराने जो फार्मर थे वो क्या करते थे कि धीरे धीरे उनका मेंटल स्किल जो है बढ़ता गया। जैसे हम हिस्ट्री, जब एग्रीकल्चर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 5000 मतलब 5000 BC में क्या होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर जूमिंग खेती बोलते हैं ना, ये सब खेती अपनाया जाता था, उस पर कोई ज़्यादा मेंटल स्किल की ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपल क्या करते थे, सीड लेते थे और उसको छिड़क देते थे, जिससे वो ग्रो होता था, फसल आया, काट लिए, ऐसा उनका चलता था। लेकिन धीरे धीरे मेंटल स्किल बढ़ती गई, लोगों को पता चला कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए सारे फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्लाइमेट फैक्टर्स और न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है उनको, तो अलग से न्यूट्रिएंट देना स्टार्ट किए। अगर डिजीज इंसिडेंस या पेस्ट इंसिडेंस बढ़ रहा है तो वो क्या करते थे, उसके लिए दवाई वगैरह यूज़ करते। धीरे धीरे ये मेंटल स्किल बढ़ती गई। तो ये दो स्किल पे काम करता है आर्ट्स, एक तो फिजिकल स्किल और एक होता है मेंटल स्किल। तो उम्मीद है आर्ट्स को समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन साइंस। साइंस जो है
आप जानते हैं साइंस के अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं, जितने भी साइंस के फिनोमिना है ना, उनको स्टडी करते हैं कि एग्रीकल्चर में साइंस कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, जैसे पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सारे जो सब्जेक्ट है वो साइंस से रिलेटेड है। उन सबका भी जानना या फिर उन सबको जान करके खेती करना, ये कहलाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो साइंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तीसरी चीज़ आती है बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है, अपन ने इन सब पांचों का देखो, फूड का प्रोडक्शन कर लिए, फ्यूल का, फाइबर का कर लिए, फ्यूल का कर लिए, फर्नीचर का और फॉडर का। अब ये जाएगा मार्केटिंग में, है ना, इसको आप इतना तो यूज़ नहीं कर सकते, इसको मार्केट में ले जाओगे, उसके बाद उसको आप बेचोगे, तो उससे आपको जो अर्निंग होगी, तो अल्टीमेटली ये भी बिजनेस ही है। फार्मर एक तरह का बिजनेस कर रहा है, क्योंकि उसको अपना जीवन चलाना है, तो वो क्या करता है, बिजनेस के रूप में एग्रीकल्चर को करता है। इसके मान के चलो अगर 100% उसका प्रोडक्शन आ रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20%, या अगर बड़ी फैमिली है तो 30%, और ज़्यादा बड़ी है तो 50% प्रोडक्शन को रखता है। उसके बाद जो है 100% में 50% प्रोडक्शन को वो सेलिंग करता है मार्केट में। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस। तो आर्ट, साइंस और बिजनेस, ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेस क्या क्या है, और एग्रीकल्चर में हम क्या क्या सब्जेक्ट तो लेकर स्टडी करते हैं, और क्या क्या सब्जेक्ट को अपने को जानना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ब्रांच के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की क्या क्या ब्रांचेस हैं। मैंने एग्रीकल्चर की ब्रांचेस को 5 भाग में डिवाइड किया। ठीक है, इन्हीं 5 भाग में सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, कुछ कुछ ब्रांचेस जो माइनर हैं तो उसको मैंने शो नहीं किया। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एनिमल में। ठीक है, तो जो ब्रांच है एनिमल में, अगर ब्रांच देखा जाए तो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले डेयरी, एनिमल साइंस में एनिमल हस्बेंड्री तो है ही है, मतलब आपको पशुओं का पालन करना है, पशुओं से उत्पादन लेना है, उसके दूध, या फिर अगर आप पोएट्री कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पोएट्री अगर कर रहे हो तो पोएट्री में मुर्गी पालन, है ना, तो ये सब है। तो डेयरी, पीसी कल्चर का मतलब होता है आपको मछली पालन करना, पोएट्री का मतलब है आप मुर्गी पालन कर रहे हो, पिगरी का मतलब होता है जो सुअर होते हैं उनका पालन करते हैं, और बी कीपिंग का मतलब मधुमक्खी का पालन। ठीक है, और सेरीकल्चर और लाक कल्चर, ये आते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री में और वेटनरी में आते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर टीचर क्लासेस में इन्हीं सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन उठेंगे, तो आप इन सबको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, तो जो एग्रोनॉमी है इस पर अपना आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, दूसरा आता है सॉइल साइंस, तीसरा आता है मेट्रोलॉजी, चौथा वाटर एंड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, एग्रोनॉमी में अपने को इन ब्रांचेस के अंदर हमको स्टडी करना है। ठीक है, जैसे अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं मशीन के बारे में, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, आप कल्टीवेटर से ले लो, या फिर आप एमबी प्लाउ या हार्वेस्टर, मतलब सोविंग से लेकर के सीड ड्रिल से लेकर के हार्वेस्टर तक के, मतलब हार्वेस्टिंग तक के जो मशीन यूज़ होते हैं उनके बारे में हम जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक अलग सब्जेक्ट होता है, वो उनमें सब सारा चीज कवर करते हैं हम लोग। फिर दूसरा आता है सॉइल साइंस। ठीक है, ये दूसरा एग्रोनॉमी का ब्रांच है। तो सॉइल साइंस के अंतर्गत अपन सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल के इडेफोलॉजी, पैडोलॉजी और सॉइल के न्यूट्रेंट वगैरह के बारे में हम सॉइल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी हम सब जानते हैं मौसम के विज्ञान को बोलते हैं, और मेट्रोलॉजी के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब मैंने वीडियो लेक्चर डाल चुका है मेट्रोलॉजी का, तो देख लीजिएगा। और उसके बाद वाटर मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वाटर मैनेजमेंट का और वीड मैनेजमेंट का एक अलग ही कोर्स होता है, मतलब एक अलग एग्रोनॉमी के अंतर्गत अपन उसको अलग सब्जेक्ट रूप में भी पढ़ सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद अपन आते हैं हॉर्टिकल्चर। तो जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में हम 4 मुख्य जो ब्रांच है वो है पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो पोमोलॉजी मतलब ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, आपको याद रखना है जहाँ पर लॉजी लगा वो ग्रीक वर्ड है, लेकिन जो पोमोलॉजी है ये लैटिन और ग्रीक वर्ड दोनों से बना है। पोमो मतलब, पोमम का मतलब होता है फ्रूट, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। ठीक है,
तो पोमोलॉजी ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर का मतलब वेजिटेबल साइंस या सब्जियों का खेती के बारे में अपन इसमें स्टडी करते हैं। फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल, फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल में हम जो है जो फ्लावर्स होते हैं उनके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के गार्डनिंग होते हैं वो कैसे करते हैं, उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं गार्डनिंग के, कैसे ये सब हम किस में पढ़ते हैं, फ्लोरिकल्चर में। फिर फ्रूट प्रिजर्वेशन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इनसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो फ्रूट प्रिजर्वेशन का मतलब हम वेजिटेबल और फ्रूट दोनों को कैसे लॉन्ग टर्म तक उसको क्या कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, इसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सोशल साइंस। तो सोशल साइंस, एग्रीकल्चर में सोशल साइंस तीन तरह से पढ़ते हैं हम। पहला तो है इकोनॉमिक्स, है ना, और दूसरा है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका रूरल सोशियोलॉजी और रावे प्रोग्राम जो चलता है उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में मतलब किसी भी वैरायटी या किसी भी कोई भी नया आपका मेथड आया उसको अपन कैसे प्रचार कर रहे हैं, मतलब फैला कैसे रहे हैं गांव एक विलेज तक के, वो एक्सटेंशन एजुकेशन का काम होता है। और जितना भी मार्केटिंग या फिर इकोनॉमिक में जो बजट वगैरह है वो देखने का काम इकोनॉमिक्स में होता है। और एक नया ब्रांच है एबीएम, जिसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों कवर होता है। ठीक है, अब आता है जो सबसे मेन ब्रांच है साइंस। तो हम जो साइंस पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में उसमें क्या क्या सब्जेक्ट मुख्य इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग, सेकंड है आपका जेनेटिक्स, ओके, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, ये है आपके साइंस के ब्रांच। अब प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में हम पढ़ते हैं कि कोई भी वेरायटी को क्रॉस करा करके, हाइब्रिडाइजेशन करा करके हम एक नया वेरिएशन लाते हैं किसी वेरायटी में, और हमारे अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके इसके लिए हम उसमें अथक प्रयास करते रहते हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग का काम होता है। ठीक है, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक को समझने के बाद ही आप प्लांट ब्रीडिंग समझ सकते हो। तो जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग दोनों कॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक है ना हेरिडिटी की स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी, जितने भी आपके सूक्ष्म जीव हैं जो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जैसे अगर न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, या माइक्रोबायोलॉजी का डेयरी साइंस में भी माइक्रोबायोलॉजी का यूज है, तो इसलिए इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑल्सो पैथोलॉजी के लिए भी आपको जो है पैथोलॉजी के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पैथो लिख दिया हूँ मैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद है सीड टेक्नोलॉजी। तो सीड टेक्नोलॉजी में हम सीड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, नया नया सीड का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, है ना, ये सीड प्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और भी बहुत कुछ है सीड में। और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये भी साइंस की एक ब्रांच है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कहीं ना कहीं आपका सॉइल साइंस में केमिस्ट्री आपका यूज़ होता है, बहुत सारे मॉलिकुलर बायोलॉजी में आपका केमिस्ट्री यूज़ होता है, तो केमिस्ट्री भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो थी मेन ब्रांचेस एग्रीकल्चर की जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर का। ठीक है, कि इम्पोर्टेंस और रोल क्या है एग्रीकल्चर में। सबसे पहले एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइवहुड इन रूरल इंडिया। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं एग्रीकल्चर जो है अपने प्रोडक्शन से रूरल इंडिया को क्या कर रहा है, वो जीवन दे रहा है या फिर उसको जो लाइफ है उसको चलाने का काम कर रहा है, कौन, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट है क्योंकि हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर ही ऐसा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर ही ऐसा कल्चर है जिसके अंतर्गत हम फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं, और ये फूड ग्रेन जो है वो जो है पूरे रूरल पॉपुलेशन और जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको जो है फूड प्रोवाइड करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, सेक्टर है, क्योंकि जो मनुष्य है वो बाकी सारी चीज़ों से वो नहीं रह सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि अगर उसको फूड मिलेगा तो वो सारे चीज़ें वो कर सकता है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं अपन जो है वो इट कंट्रीब्यूट 25% टू इंडियन जीडीपी। ठीक है, 25% मतलब 100 में 25% जो है एग्रीकल्चर जो है जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन में क्या करता है, ये हेल्प करता है 25%। लेकिन अगर करंट जीडीपी की बात की जाए 2018 या 19 की बात की जाए, तो अभी ये जो है गिर करके 14% आ चुका है, इसको आप
ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है ये 14% अभी का जीडीपी है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ द स्टिल डिपेंड द प्राइमरली ऑन द मानसून, ठीक है। मतलब जो एग्रीकल्चर है वो मेनली डिपेंड होता है मानसून पर। अगर मानसून कई लोग तो मानसून पर ही डिपेंड होते हैं क्योंकि वो जो है वर्षा जो रेनी सीजन होता है उसी के वाटर को यूज़ करके वो क्रॉप ग्रो करते हैं, तो ये मानसून पर डिपेंड करता है। और अगर जो भी डिजास्टर आ रहा है या फिर जो भी हानि हो रही फसल को वो मानसून के कारण भी हो सकता है। और बहुत सारे डिजास्टर हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो इसमें क्या होता है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम शेयर नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में अपना जो प्रोडक्शन है या फिर जो अर्निंग है उसको शेयर करता है कौन? एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, ठीक है। मतलब ये जो है एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे जो रूरल जो लेबर है उनको एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर, ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। छठवां चीज़ आता है आपका प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल। जो इंडस्ट्रियल में रॉ मटेरियल यूज़ होता है, अगर आप सड़क निर्माण की बात करो या फिर कुछ भी निर्माण की बात करो, तो उसमें रॉ मटेरियल जो आता है वो यूज़ होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आपकी सातवां जो आता है अर्नर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जो अपन जानते हैं कि जो अपना अपना जो इंडिया में जो प्रोडक्शन आता है, जैसे स्पाइसेस हो गया या फिर रेसे हो गए, ये सब जो है फॉरेन में जाते हैं, वहाँ के जो मनी है फॉरेन के जो मनी है वो एक्सचेंज होता है अपने इंडिया में, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम सोर्स ऑफ रिन्यू फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू आते हैं, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, वो सब किस पर डिपेंड है? वो सब डिपेंड है आपके एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा तो फार्मर के लिए अल्टीमेटली क्या आएगा, बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं एग्रीकल्चर के वो जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो लागू किए जाते हैं, तो ये रिवेन्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आठों मैंने इम्पोर्टेंट लिखाया है ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर का। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट भी है लेकिन ये मेन है, इसके बेस पर ही एग्रीकल्चर जो है चल रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर तो अपन ने ख़त्म कर लिया और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया और एग्रीकल्चर के ब्रांचेस को आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कोई नया टॉपिक को लेकर के आपको समझाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। और वीडियो में अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्रीकल्चर टीचर के क्लासेस में डेली एक एक वीडियो डालता रहूँगा एग्रीकल्चर की कोई एक एक टॉपिक पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए ताकि एग्रीकल्चर टीचर वो भी बन सके, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। आप मुझे फेसबुक ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप है इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट प्लांट साइंस IAS। और आप मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स पर दे दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। सो डोंट लॉस्ट योर टाइम, लर्न एंड टीच विद अस।